हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी डाउन नज़र आ रही होगी, तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ कुछ देर पहले। जस्ट यू नो फ्रेश होके आई हूँ अभी मैं, एंड अभी टाइम हो रहा है, आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज कल मैं गई थी शादी में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग में कि मैं यू नो शादी में जा रही हूँ। तो गाइस कल रात में काफ़ी लेट हो गए थे और मैं थक गई थी। एंड हाँ, आप बोलोगे कि दी आप शादी का व्लॉग भी हमारे साथ शेयर करिए, तो गाइस मैंने शूट नहीं किया बिकॉज कज़न है, उनके देवर की शादी थी और वहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। लाइक सोचा था कि मैं कैमरा लेके जाऊँगी, व्लॉग थोड़ा सा शूट कर लूँगी, बट पता है क्या हुआ, मैं थक गई थी यार कल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि परसों रात में मैं करीबन 4:30 बजे सोई थी, काम था बहुत ज़्यादा, इसलिए तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो मैंने सोचा कि यार मुझे मतलब ना ऐसे मन नहीं किया अंदर से। तो रात में हम शादी में से आए और हरियाणा में थी शादी, में बहुत ज़्यादा यार वहाँ पे ठंड थी, मतलब मैंने क्या पहनना था। तो आप मुझे अगर देखना चाहते हो ना शादी की क्लिप्स, तो आपको इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना होगा, नेहा लव्स फैशन पे, तो वहाँ पे आप मेरी पोस्ट वगैरह देख सकते हैं, मैं सब मैंशन करती हूँ वहाँ पे। एंड मेरी आइज़ गाइज, मुझसे मेरी आइज़ ओपन नहीं हो रही है बिकॉज मेरा स्पेक्स टूट गया है यार, और स्पेक्स के बिना ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, पता नहीं कब ठीक होगा। अभी मैंने शीम से फ्रेम ऑर्डर कर दिया है क्योंकि हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्टिकल शॉप पे, तो पता है क्या इतना महंगा महंगा हमारे चश्मे का वो फ्रेम देते हैं 1000 कुछ रुपए का। वेट, मैं कैमरा ना एक बार सेट कर लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से बैठ के आपसे बात कर पाऊँ। तो ना वो आप मेरा फेस देखो यार, कितना ज़्यादा टायर्ड लग रहा है ना काफ़ी। एंड लिप्स, वेट मैं अभी लिप बाम लगा लेती हूँ ताकि ये जो लिप्स मेरे इतने ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं ना कि बेचारों का पानी निकाल लिया होगी किसी ने, तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं लिप टिंट हल्की सी यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए इससे एक रेडनेस आ जाती है, बिकॉज विंटर टाइम में ना मेरे लिप्स थोड़े से ना ब्लू हो जाते हैं, आई डोंट नो क्यों। तो मैंने फेस शॉप का यहाँ पर लिप टिंट लगाया गया, इसी चिक एंड लिप टिंट है, काफ़ी अच्छा है। और ना इसके बाद हल्का सा ये देखिए मेरा सीरम जो है वो ख़त्म हो गया है, वैसे ये फेस सीरम है लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, तो हल्का सा इसे मैं लिप्स पे भी अप्लाई करती हूँ बिकॉज मुझे पसंद है ये। क्योंकि यहाँ पे अभी ना मेरी लिप बाम है नहीं, लिप बाम्स मेरी मेरे रूम में रखी हुई हैं जहाँ से मैं मतलब अभी आई हूँ उठ के, तो मुझे लिप बाम्स भी निकालनी है। एंड लिप बाम्स ख़त्म हो गई है एंड मुझे ठंड लग गई है, मुझे लग रहा है ऐसे। तो मैंने अभी उठ के जस्ट नाश्ता मैंने किया है एंड अपना स्किन केयर कर लिया है। पता है क्या हुआ गाइस, मैंने आप सबके साथ कुछ टाइम पहले शेयर किया था कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए, मैं आईज यू नो बंद करके आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि खोल ही नहीं जा रही है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए, पिंपल्स जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन पता है क्या हुआ, जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने मुझे यू नो मेडिसिन दी थी, उसने मेरी स्किन को ना पूरे इस एरिया में से ड्राई कर दिया है यार, बहुत ज़्यादा ड्राई। कल मैंने मेकअप किया, उसके ऊपर से ना पपड़ी से यहाँ से उतर रही, यहाँ से उतर रही है, देखो ये दिख रही है आपको, दिखी यही। तो गाइस बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड लग रही होंगी आपको। अभी मैं अपने स्टूडियो रूम में आई हूँ बिकॉज कल मैंने अपनी भाभी को भी रेडी किया था और मेरी बहन आई थी यू नो कज़न सिस्टर मामा की लड़की, उसको भी रेडी किया था। वेट, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, 1% बैटरी है गाइस, यकीन नहीं आ रहा ना, देखो 1% बैटरी है मेरे फ़ोन में, फ़ोन के पूरा टैम बोल चुका है। तो मैं जल्दी से ना एक बार आपको फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी भाभी को रेडी किया था बहुत अच्छे से और मुझे उनका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वेट, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी ना अपने मोबाइल को चार्ज करने आई थी, ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये मैं हूँ। आई थिंक यहाँ पे ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ये मेरा पंछी बच्चा है क्योंकि ये मेरी भाभी का लड़का है, ये यहाँ पे घर पे आके मैं दिखा रही हूँ आपको कि भाई देखो मेरा आई मेकअप मैंने ये किया था, और ये स्टेटस मैं आपको व्हाट्सएप से दिखा रही हूँ। तो ये पंछी है मेरा बेटू, क्यूटी बहुत क्यूट है। एंड ये मेरी भाभी है, एंड गाइस लुक एट हर आइज, ये मैंने उनका मेकअप किया था, ये देखो अच्छी लग रही है ना। एंड ये मेरी कज़न है, मेरी सिस्टर, तो इनका भी मेकअप मैंने ही किया था। तो बस ये जस्ट मैं अपनी स्टोरीज में मेंशन करती रहती हूँ क्योंकि आज मैंने व्लॉग अपलोड किया है ना, तो गाइस ये मैंने आपको स्टेटस दिखाया है अपना व्हाट्सएप का।
ऐसा कौन करता होगा कि व्हाट्सएप का स्टेटस दिखा दे आपको। तो गाइस मैंने दिखा दिया एंड मेरा रूम देखोगे ना, इतना कबाड़ा हुआ पड़ा है, इतना मैस हो रखा है मेरे रूम में कि बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ इधर से उधर हो रखी है। पीछे आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड बैक कैमरे से। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये पाउडर दिख रहा है कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। वहाँ पे इस वाले बैग में मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें रखी रहती है, वो भी पूरे यहाँ पे, मतलब वो वहाँ रहती है, आपने देखा होगा व्लॉग्स पे, तो वो यहाँ पे आके पड़ी है। एंड ये देखिए कितना ज़्यादा कबाड़ा हो रखा है, लुक एट दैट गाइस, कितना ज़्यादा मतलब गंदा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए पूरे पे मैंने सब कुछ फैला हुआ है मेरे रूम में। तो अभी मुझे अपने रूम में सब चीज़ें ठीक करनी है, प्लस सबसे पहले अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देती हूँ, वरना ये टाइम बोल जाएगा एक मिनट। इसकी 1% बैटरी है। एंड कल मैंने जो ड्रेस पहनी थी ना, वो आई थिंक आपने मेरी वीडियो देखी होगी गाउन्स वाली, एंड मैंने उसके साथ मैचिंग की थी इयर रिंग्स, जो कि सुंदर है ना काफ़ी, थोड़े से हैवी है बट सुंदर है ये। तो चलिए अब मैं कैमरा लगाती हूँ साइड में और जल्दी से अपने रूम को क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा रही हूँ, बिकॉज अगर बैटरी डेड हो गई, 1% वैसे बची हुई थी तो वो ख़त्म हो जाती, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी ब्रशेस को सारे को इकट्ठा कर रही हूँ, एंड यहाँ पे जो ड्रॉर आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी सारी ब्रशेस रखती हूँ ना, इसमें मेरी ज्वेलरी है, एंड साइड में आप मैस देख रहे होगे कितना कबाड़ा हो रखा है ना। इसके बाद सबसे पहले मैं जो फाउंडेशन वाली जगह थी, लाइक जो जहाँ पर फाउंडेशन लगे रहते हैं, वो रख रही हूँ। फिर इसके बाद मेरा लिक्विड रख रही हूँ जो लेंसेज का है। दैन इसके बाद एक एक करके मैं पूरा साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई क्लीन हो जाए। आप देख सकते हैं गाइस कितना सारा मैस है, मैंने अभी को दिखाया। एंड ये जो मेरी टॉवल है ना, टॉवल टाइप मान लो आप इसे, ठीक है, तो ये पता नहीं कौन से फैब्रिक की है, तो ये काफ़ी अच्छे से डस्ट वगैरह को खींच लेती है। मैं अगर मुझे याद आया ना तो इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और यहाँ पे ना ये अगर मेरी किसी को बात पता लगेगी ना तो मुझे सही में क्या बोलो यार, यहाँ पे पता है मैं फेस मिस्ट यूज़ कर रही हूँ अपने शीशे को साफ़ करने के लिए। तो गाइस मुझे बाहर जाना था और मैं यू नो वहाँ से मैं पानी वगैरह लेके आती या कुछ लेके आती साफ़ करने के लिए, आलस के बारे में मैंने सोचा यार इसी से साफ़ कर देते, क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से अपना मिरर वगैरह अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, बिकॉज मिरर पे ना आई थिंक लाइनर के ड्रॉप्स गिरी हुई थी। ये देखिए टिशू पेपर कल के ऐसे ही, क्योंकि हम रेडी होके गए थे और पूरे मेरे कमरे में वैसे भी यू नो सामान रखा हुआ है इतना सारा, तो पूरा मैस हो गया था, तो वो मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। जो मेरा ये पाउच है ये भी पूरा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इस पे फाउंडेशन की ड्रॉप्स हैं, क्योंकि बच्चे भी आए हुए थे मेरी यू नो भाभी का बेबी आया हुआ था और मेरी सिस्टर के भी दो बच्चे हैं वो भी आए हुए थे, तो पूरे पे मैस मैस हो गया था। सो गाइस देखा आपने कि कैसे मेरा रूम मैस हो रखा है। तो चलिए ये सब तो चलता ही रहेगा, अभी मुझे यहाँ पे करीबन 1-1.5 घंटा लगने वाला है इसको साफ करते करते। एंड मैं आप सबके साथ एक दो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो देखना चाहोगे आप, बिकॉज मुझे पता है आप काफ़ी सारी अफोर्डेबल चीज़ें देखना चाहते हो कि मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ, तो आई थॉट कि मुझे ब्लॉग्स में आप सबके साथ शेयर कर देनी चाहिए जो बेस्ट चीज़ें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ सिवाना कलर्स का, ये गाइस ये रोज़ ग्रिल ब्लश है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें मेरी शेड है 02। एंड एक सेकेंड मैं अपना कैमरा ना एक बार सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि भाई आपको अगर हाईलाइटर लेना है ना, हाईलाइटर के लिए आप इस पे ज़रूर जाइए, है मेबलिन का मॉल्ट एंड गोल्ड मास्टर क्रोम फेस स्टूडियो मेबलिन की तरफ से, यह ज़्यादा ही अच्छा है गाइज। एंड अभी मैंने कुछ न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको एक बेस्ट वाला फेस मिस्ट चाहिए ना, तो आप ये गुड वाइब्स का ले सकते हैं। सो ये है रोज इल्यूमिनेटिंग फेस मिस्ट। और हाँ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर बेस्ट प्राइस में अगर आपको यू नो फेस फाउंडेशन लेना है, तो गाइज स्टे क्विकी का ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है लॉन्ग वेयर लिक्विड फाउंडेशन है स्टे क्विकी की तरफ से, और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना उनके लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो मेक श्योर चेक कर लेना। एंड दिस इज़ माई सेकेंड या थर्ड परचेजिंग है गुड वाइब्स का रोज़ ये टोनर है गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरी स्किन को बहुत अच्छे से फ्रेश कर देता है। तो मेरे पास इसमें छोटा था, अब की बार मैंने काफ़ी बड़ा साइज इसमें मंगाया है ना। इसके बाद ना इसमें आप सबके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितने भी रेंज आती है ना चीज़ों में वो आप परचेज कर लीजिए। तो यहाँ पे फेस मास्क है ये गाइस, लुक एट दिस, पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है, अंदर से पिंक कलर में है, ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से यू नो क्लीन रखता है। देन इसके बाद है फेस स्क्रब, अगेन गुड वाइब्स रोज़ हिप का है,
गाइस ये मिनी लिपस्टिक आप ले लेना अगर आपकी मैरिज होने वाली है या कुछ भी है, या फिर आप ना कॉलेज जा रहे हो और आपको एक अच्छी वाली यू नो लिपस्टिक चाहिए, तो आप ये वाली ले लेना, गुड वाइब्स की है ये मिनी लिपस्टिक, सॉरी गुड वाइब्स की नहीं है, ये स्टे कूल की है, क्या बोल रही हूँ मैं। तो गाइस ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेरी वेरी सून अपने दूसरे चैनल नेहा लव्स फैशन पे, एंड कुछ भी चीज़ों की अपडेट पाने के लिए फॉलो मी ऑन मेरे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम हैंडल नेम है @NehaLovesFashion, प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड साउंड। एंड गाइज आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं से आप सबके साथ यू नो व्लॉग शेयर करती हूँ, आपको पसंद आते हैं ना। और हाँ एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ आउटसाइड यू नो व्लॉग शेयर करूँ, मैं बाहर जा रही हूँ तो आप सबके साथ व्लॉग शेयर करूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में तो व्लॉग्स के थ्रू ना, मतलब ये है यार जो मैं खुद से मैं अपना है, मतलब एक चीज़ बता रही हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने आप सबके साथ दिवाली व्लॉग शेयर किया था, और कोई भी मतलब मैं अपनी नहीं बात कर रही हूँ, कोई भी मैं व्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई भी आप सबके साथ शेयर कर रहा है, एक याद बन जाती है बहुत प्यारी, क्योंकि कैमरे में कैप्चर हो जाती है, वीडियोस के थ्रू हम उसे लाइफ में कभी भी देख सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आउटसाइड व्लॉग्स भी आप सबके साथ शेयर करा करूँगी। एंड गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो अब मैं काम फिनिश कर लेती हूँ वरना डांट पड़ेगी, और मुझे काम भी करना है बहुत ज़्यादा क्योंकि कल मुझे जाना है। तो चलिए अब बाद में मिलते हैं, बाय।